सबके लिए तालियां बज गईं, और हमारे बच्चों का क्या? उन सुपर हीरोज के बारे में किसी ने सोचा है जो साल भर से घर के अंदर बंद है? उनकी तो पूरी जिंदगी जैसे उलट पुलट हो गई है। रोज नए नियम जो उन्होंने कभी सुने नहीं थे, ऐसी जिंदगी जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी, हर उनकी फेवरेट चीज उनसे छीन ली गई है। फ्रेंड से मिलना, घर के बाहर जाकर खेलना, स्कूल जाना, आइसक्रीम खाना, स्विमिंग, साइकिलिंग, पार्टीज, हॉलीडेज, सब कुछ, या कहो उनसे उनका बचपन ही छीन लिया गया है। और उनकी स्माइल तो मास्क के पीछे छिप गई है। ऊपर से घर में रहकर पूरे दिन सिर्फ नेगेटिव बातें सुनते हैं। इतने पॉजिटिव हुए, इतने मर गए, इतने हॉस्पिटल में है, इतनों को ऑक्सीजन चाहिए, सरकार ऐसी है वैसी है, ब्ला ब्ला ब्ला। सोचा है कभी उनके भोले से मन में क्या चलता है? इनविजिबल फियर, एक अदृश्य डर, और उस पर ऑनलाइन क्लासेस का प्रेशर, नेटवर्क इश्यूज के साथ समझ में आए या ना आए अटेंड करो, फिर भी वो कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करते। हमारी तरह हर छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट नहीं करते। सोशल मीडिया में जाकर फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालते। है ना बहुत कुछ अपने बच्चों से सीखने के लिए। माई सल्यूट टू ऑल माई सुपर हीरोज एंड अ रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, ऑल द गार्जियंस, प्लीज बी विद देम, गिव देम टाइम। उनको आपका टाइम चाहिए, फैसिलिटीज नहीं। उनसे बातें कीजिए, उनके साथ खेलिए, आपको भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी। इस नेगेटिव सिचुएशन से निकलने का एक बहुत जरूरी तरीका है। ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से वो घंटों स्क्रीन के सामने रहते हैं, उसके बाद टेलीफोन, टैब, टीवी या लैपटॉप देकर और बर्बाद नहीं कीजिए उनको और उनकी आंखों को। प्लीज बी विद देम, हमारे देश का भविष्य है वो, हमारी जिंदगी है वो। स्पेंड टाइम विद योर किड्स, वी नीड हेल्दी किड्स। थैंक यू, स्टे सेफ।